हेलो अरविंद, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, अभी अभी एक कल यानी कि 11 तारीख को सीईटी का पोर्टल लॉन्च हुआ है। पूरी वीडियो देखना, आपके एक एक डाउट, मैं टोटल 19 क्वेश्चन बना के लाया हूँ जो बच्चों के संशय बन रहे, जो डाउट आपके आ रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट को क्लियर ही कर दूंगा। और अभी आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे, वह क्लिक करके देखो मैंने चैप्टर बनाए हुए हैं, अभी आपको कुछ अलग दिखेगा टाइम के साथ। वो चैप्टर बनाए हुए हैं, आपको जहां पे डाउट है उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे ताकि आपका समय खराब ना हो। देखिए, सबसे पहला है, जल्दी से पढ़ा दूंगा, इसके टोटल जितने क्वेश्चन सारे बता के आपको जल्दी से वीडियो खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सीईटी के लिए पीपीई अनिवार्य, परिवार पहचान पत्र जरूरी है, कंपलसरी है? बिल्कुल, इसका जवाब है यस, जरूरी है, लेकिन केवल हरियाणा वालों के लिए। जो अदर स्टेट के हैं उनको पीपीई की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जो भी आपका ये मान लो डाटा है, जो आपका पर्सनल डाटा है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, सब कुछ, वो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हरियाणा वालों को, अदर स्टेट है वो मैनुअली अपना सब कुछ भरेंगे। दो क्वेश्चन हो गए। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या ग्रुप डी की भर्ती के लिए दूसरा टेस्ट देना पड़ेगा या सीईटी से ही चयन हो जाए? बिल्कुल, इसका जवाब है ओनली सीईटी से ही आपका चयन हो जाएगा। और जो सीईटी का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो सीईटी का है भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो एचएसएससी लेगी अभी आगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लाऊंगा बिना कमेंट, पूरी वीडियो देखे कमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि कमेंट जो करोगे उनके जवाब इस वीडियो में ऑलरेडी आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी का बिना किसी दूसरे टेस्ट के डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा इसी मेरिट बेस पे, जो सीईटी में आपके नंबर आएंगे उस पे। अगला है, चौथा क्वेश्चन है, जो अभी कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे ग्रुप डी में, सी में, किसी में भी अभी जो लगे हुए हैं, ओन ड्यूटी है अभी सरकार के, क्या उनको सीईटी में और कोई नौकरी आती, मान लो कोई आगे 4200 ग्रेड की आगे एसआई की, आगे अभी बताऊंगा, ये भर्ती तो पुराने पैटर्न से ही होगी, आगे की बात कर रहा हूँ जो सीईटी के माध्यम से होंगी वो। तो अगर आपको नौकरी बदलनी है तो आपको एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। सबसे अच्छी बात खट्टर साहब ने ये की है कल कि एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक लेटर लिख के, एक लेटर मान लो ऐसा लिख के आपको केवल सूचना देनी है अपने विभाग को, भाई मैं अब आगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये आपको आवश्यक सूचना हेतु प्रेषित है। बस ये चीज आपको लिख के देनी है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड है उसको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अगर सर राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र अलग अलग है, दो भाई है, नौकरी लगे हुए हैं, या पापा की नौकरी है, अलग हो गया, मतलब ये तरीका किसने, अबे क्योंकि पब्लिक अपना गेम तो खेलेगी, कोई पीपी अलग बनवाएगा, पापा से अलग हो, कोई भाई से अलग होगा, किसी के ऑलरेडी अलग हैं, तो क्या उनको पांच नंबर मिलेंगे? देखो, इसका जवाब है कि कोई श्योरिटी नहीं है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है किसी ने भी कि आपका पीपी में अगर आप अपने भाई का नाम कटवा देते हो या पापा का नाम कटवा देते हो, वहां से अलग बनवा देते हो उनका, तो आपको पांच नंबर का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरी तरफ से 1% भी कोई श्योरिटी नहीं है। ये आपका अपना मत होगा, आपका अपना रिस्क होगा, मुझे ना कॉल करके ना मैसेज करके इस बारे में कोई पूछना, ना कमेंट करना इस बारे में। ठीक है भाई, अगला है, ग्रुप सी के लिए दो टेस्ट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, ग्रुप सी के दो टेस्ट देने पड़ेंगे, सीटी तो आपको करना पड़ेगा, सीईटी क्लियर, उसमें मेरिट आएगी, उस बेस पे आपका चयन होगा, और जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको दूसरा पेपर भी देना पड़ेगा। अगला है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर में से, मैंने कल वीडियो बना दी थी वैसे इसके बारे में, देखी हो तो आपने, तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल भी जाएगा आपको, इधर देखो दिख रहा होगा, तो उसमें क्या है, ग्रुप डी की अगर भर्ती है तो आपको 10 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे जो पहले मिलते थे, अगर आप एलिजिबल हो 10 नंबर के लिए तो, लेकिन ग्रुप सी में आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप उनको नॉन जॉब के ले लो, चाहे आप फादरलेस के ले लो, चाहे विधवा के ले लो, चाहे आप एक्सपीरियंस के ले लो, कुल मिला के कहीं भी आपको 5 नंबर से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला है, जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नॉन जॉब वाला परफॉर्मा है उस पे आपको तहसीलदार के साइन करवाने कंपलसरी है। अभी इसकी जो है व्यवस्था की गई है इस वाले में कि शायद पुलिस वाले में ही कर दिया है इसका, तो कि आपको तहसीलदार से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अगला है, जो आपकी आयु रहेगी 17 से 42 साल प्लस जो आपको आयु में छूट सरकार देती है वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, एससी को 5 साल, बीसी को 3 साल और ईडब्ल्यूएस को 5 साल। आगे भाई एक्सपीरियंस की बात आती है, कल किसी ने जो लाइव चल रही थी खट्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कई बच्चों ने देखा तो उन्होंने ये कहा कि सर जो चेयरमैन साहब अपने भारत भूषण भारती जी, उन्होंने ये कह दिया है कि भाई आपको एक्सपीरियंस के 5 नंबर मिलेंगे आपको, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 साल का आधा नंबर मिलेगा। देखो भाई, 1 साल का आधा ही नंबर मिलेगा, ये अपने दिमाग में बैठा लो बात। मैक्सिमम पहले 8 नंबर मिल जाते थे एक्सपीरियंस के 16 साल की नौकरी के, लेकिन अगर आप ग्रुप डी की बात करते हो तो आपको अभी भी 8 नंबर मिल जाएंगे एक्सपीरियंस के, अगर आप 16 साल कहीं पर डीसी रेट पर भर्ती हो तो।
वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दी है वीडियो में, आप देख लेना। आप मैंने सोशल मीडिया क्राइटेरिया की अलग वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, इधर आई बटन में उसको भी डाल दूंगा। तो जो भाई एक्सपीरियंस का नंबर सीईटी में मिलेगा ना, वो भी वही रहेगा कि एक साल का आधा नंबर ही आपको मिलेगा, और मैक्सिमम 10 साल तक के 5 नंबर आपको ग्रुप सी में मिल सकते हैं, और अगर ग्रुप डी में अप्लाई करते हो तो आपको पूरे 8 नंबर मिल सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। ये एक्सपीरियंस का डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। अगला है भाई, सीईटी के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको लिस्टेड किया जाएगा। अगर जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी आती है और जो सीईटी में आपका स्कोर है, वो स्कोर डिपेंड करेगा वैकेंसी कितनी आती है। अगर वैकेंसी 30-50 है, मतलब कि 150 तो मिनिमम बुलाए बुलाए जाएंगे दूसरे टेस्ट के लिए ग्रुप सी में, चाहे वैकेंसी 1 हो चाहे 30 हो, ठीक 150 तो बुलाए जाएंगे। और 150 से ज्यादा अगर 3 गुणा करेंगे पहले वो, अगर मान लो 30 वैकेंसी है, 3 गुणा करेंगे तो 90 आए, तो 150 बच्चों को बुलाया ही जाएगा कंपलसरी, 150 से कम नहीं बुलाया जाएगा। मान लो 40 आती है तो 3 गुणा करो 120 बनेंगे, फिर भी 150, मतलब कि 50 वैकेंसी तक 150 बुलाए जाएंगे। अगर 60 हो जाती है तो 3 गुणा करते ऑटोमेटिक 180 हो जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसी अगर 50 या 50 से कम है तो मिनिमम 150 बच्चों का दूसरा टेस्ट होगा, 50 से ज्यादा है तो उनके 3 गुणा कर लो, जितने भी बनेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वैकेंसी आएगी आपके पास, ऑप्शन देगा एसएससी उस पोर्टल पे कि भाई ये वैकेंसी है, जो भी अप्लाई करना चाहे वो यस पे क्लिक कर दे। बच्चे तो मोस्टली करेंगे सभी क्लिक जिसको नौकरी चाहिए, लेकिन जो क्लिक करेंगे यस को, जो एग्री करेंगे, उन बच्चों में से 3 गुणा बच्चे ही लिए जाएंगे दूसरे पेपर के लिए, ठीक है। अब कहोगे सर दूसरे बच्चे जो बच गए उनका क्या होगा, आगे बताऊंगा उनका क्या होगा। अगला देखिए, जो टीचर की वैकेंसी है जो नॉन गजेटेड पोस्ट है, क्या उनको एचटेट पास होना जरूरी है या खत्म हो गया। एचटेट आपको पास करना कंपलसरी है, एचटेट पास होंगे वही बच्चे सीईटी अप्लाई करेंगे। सीईटी पास करोगे तो आपको जब वैकेंसी आएगी जब एक टेस्ट और देना पड़ेगा, मतलब आप टोटल 3 टेस्ट हो गए हैं आपके में। क्राइटेरिया वही रहेगा कि 50 से कम वैकेंसी है तो 150 बच्चों का टेस्ट होगा दूसरा, उससे ज्यादा है तो 3 गुणा बच्चे जो होंगे वो उनका टेस्ट होता रहेगा। अगला है भाई, इसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी, लेकिन अगर आपने एक बार टेस्ट दे दिया जो आपका स्कोर बना उसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई मैं दोबारा टेस्ट दूं, मेरे नंबर अभी 60 आए तो मैं 70 करना चाहता हूं, अगर आप दूसरा टेस्ट देते हो सीईटी का तो आपको फीस दोबारा देनी पड़ेगी। जो फीस कही है सरकार ने कि फीस बार बार नहीं लगेगी, वो है फॉर्म निकलेंगे उनकी अप्लाई फीस। अगर सीईटी देना चाहते हो दोबारा स्कोर बढ़ाने के लिए, तो फीस आपको हर बार देनी पड़ेगी जितनी बार सीईटी दोगे आप, जैसे एचटेट में होता है, ठीक है। हर बार एचटेट दोगे तो फीस अलग देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी वैलिडिटी रहेगी 7 साल तक एचटेट की। आगे है 31 मार्च अभी जो सीईटी का फॉर्म निकला हुआ है, मैंने लिंक भी दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे उसका फॉर्म भरने का, कल वीडियो बना देती हूँ, प्राइम बटन में इधर दिख भी रही होगी आपको कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सीईटी भरने की लास्ट डेट 31 है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और इसका जो वो एग्जाम होगा वो होगा जून में। और सरकार ने यह भी कहा है जैसे ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट आते हैं उसके बाद भी सीईटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा ताकि वो बच्चे भी भर सकें। अगला है भाई, पुरानी भर्तियां जो चली हुई हैं जिनके अटैचमेंट हो चुकी, क्या वो सीईटी के माध्यम से, बिल्कुल गलत। इसका आंसर है नहीं, पुरानी भर्तियां पुराने पैटर्न पे ही होंगी जो उनका पैटर्न ऑलरेडी है। अगला है भाई, क्या कोई भी कैंडिडेट अपना स्कोर देख सकता है, तो इसका जवाब बिल्कुल यस, आप अपना स्कोर कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और अपना ही नहीं, आप किसी का भी स्कोर देख सकते हो पोर्टल पर, ये ऑप्शन आपको दिया गया, ये सबसे अच्छी और खासियत बात है इसकी। पूरी लिस्ट आपको मिलेगी, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितने बच्चों ने पेपर दिया, किस बच्चे का कितना स्कोर आया, ये आपको ओपनली रहेगी, पब्लिक में रहेगी ये चीजें। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना लॉग इन करके अपने देख पाओ, किसी का भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। अगला है कि सर अगर गलत भर दिया फॉर्म सीईटी का तो क्या डिटेल एडिट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, आप कभी भी एडिट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। मान लो कोई बच्चा सीईटी भरता है और उसकी क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन अगर 3 साल के बाद उसने ग्रेजुएशन कर ली और जब भी उसकी जॉब नहीं लगी है तो वो ग्रेजुएशन ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है कभी भी, यानी कि कोई भी डिटेल आप एडिट कर सकते हो कभी भी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगला है भाई जो दूसरा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर पहला पेपर हमारा नंबर कम आए और दूसरे पेपर में हमारा नंबर आएगा नहीं, तो हमारे सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया नंबर का फायदा क्या हुआ। देखो पहले पेपर में जो नंबर आएंगे उसमें आपकी जो डिटेल भरी हुई है अपने फॉर्म में सीईटी में, उस डिटेल के बेस पे आपका जो सोशियोइकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर बनते हैं, अगर आपके ग्रुप सी के लिए बनते हैं तो 5 नंबर ऑलरेडी जोड़ दिए जाएंगे, ग्रुप डी के लिए हो तो आपको ऑलरेडी 10 नंबर जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। वो नंबर जोड़ने के बाद ही दूसरे पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 3 गुणा बच्चों को, ये डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है भाई।
जो आपके नंबर बढ़ते हैं सोशियो के, वो जोड़ने के बाद आपको दूसरे पेपर का शॉर्ट लिस्ट तभी होगा जब आपके वो नंबर जुड़ जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी भाई किसके कितने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सीईटी के बेस पे नहीं होगा, उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जुड़ेंगे तब दूसरा पेपर का कंडक्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इतनी डिटेल में भी अगर आपको समझ नहीं आता तो भाई इससे ज्यादा मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने इतना कुछ आपको बिल्कुल ओपनली बता दिया है। अगला है, अभी दो पॉइंट और बच गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है, मान लो आपने फॉर्म भरा, आपने ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया, अगर उस नौकरी के बेस पे आपने ग्रुप डी कर ली, आपका सीईटी का क्रॉस हो जाएगा बिल्कुल, आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, आपका स्कोर डिलीट हो जाए, चाहे आपके 80 नंबर हो। अगर आपको फिर ग्रुप सी में जाना है, आपके नौकरी चेंज करनी है, चाहे आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लो पहले, चाहे किसी में भी कर लो, मतलब अगर आपको हायर जॉब पे जाना है तो आपको भाई वो करना पड़ेगा, अपना सीईटी का दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, दोबारा दूसरा पेपर देना पड़ेगा, तब आपका कोई समाधान होगा दूसरी नौकरी के लिए। इसका मतलब यह है, एक नौकरी मिल जाएगी उसके बाद आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, फिर सीईटी अगले साल निकलेगा, फिर सीईटी की तैयारी करो, सीईटी नंबर आए ना आए, नहीं आया तो दूसरी नौकरी के लिए दूसरा पेपर दे ही नहीं पाओगे, आ भी गया तो डिपेंड करता है आपका नंबर कितना बनते हैं आपके नंबर, तो वो आपके डिपेंड करेंगे फिर आप दूसरे पेपर में शॉर्टलिस्ट होते हो नहीं होते हो, तो ये प्रोसेस रहेगा दूसरी नौकरी में जाने के लिए। अगला है, सर दूसरा पेपर होगा कैसे, है ना, उसका सिलेबस क्या होगा, ये देखो दूसरा जो पेपर होगा उसमें उसमें ये चीज लिखी है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी हो कोई भी, उसमें एक रिलेवेंट सब्जेक्ट होता है, रिलेवेंट फील्ड होती है, तो जो दूसरा पेपर होगा वो इसलिए लिया जा रहा है, मान लो कोई लाइनमैन की भर्ती है, असिस्टेंट लाइनमैन की है, अब असिस्टेंट लाइनमैन का कौन पेपर देगा, जो आईटीआई कर रखे हैं, अब लाइनमैन का काम जो होता है वो कौन जानता, लाइनमैन का आईटीआई वाले जानते हैं, तो जो रिलेवेंट फील्ड होगा ना आईटीआई से रिलेटेड, जो उनका इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन दूसरे पेपर में आएंगे। जो भी दूसरा पेपर होगा उसमें हो सकता है कि 40-50 नंबर का हो और सारे के सारे आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे ग्राम सचिव में अभी आया ना ये धारा वगैरह आई थी, तो अगर ग्राम सचिव के आगे भर्ती आती है तो दूसरा पेपर जहां तक मुझे लगता है केवल पंचायती राज का होगा, ठीक है, दूसरा पेपर मुझे नहीं लगता कि पूरा 100 नंबर का लेंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, डिपार्टमेंटली जो विभागीय परीक्षा होती है वही क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ये कन्फर्म बात है, उसमें ये आपका मैथ इंग्लिश हिंदी ये मुश्किल है, वो आपका डिपार्टमेंट का रिलेवेंट फील्ड वाला क्वेश्चन ही आएगा। तो भाई ये मेरे हिसाब से बनते थे 19 क्वेश्चन जो आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, जवाब दे दिया जाएगा अगर मैंने इन वीडियो में नहीं बताया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे ज्यादा नॉलेज और इससे ज्यादा अपडेट कोई नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है, धन्यवाद।